आप कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सब की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हम लोग बस में बैठे हैं, मैं हूँ, मेरी सासू माँ है, हस्बैंड है और बेटा। हम तीनों लोग जा रहे हैं, मतलब उनके गांव जा रहे हैं जहाँ पे डी बाबा का पूजा करना था, मन्नत थी। और आज मैं आपको अपने गांव का घर दिखाऊंगी, मतलब मेरा ससुराल जो है जौनपुर में है, लेकिन उसके अलावा भी एक गांव है जहाँ पे इनके दादा ससुर वगैरह, मतलब पहले के लोग रहते थे, अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जौनपुर से हम लोग बस से जा रहे हैं बाबतपुर में, वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे मेरी दीदी और उनकी दो फ्रेंड हैं, वो लोग वहाँ से मिलेंगी, तो उनके साथ फिर हम लोग गाड़ी से आगे जाएंगे। तो बस से हम लोग यहाँ से निकले ही हैं। डी बाबा के मंदिर देखिए पहुँच चुके हैं हम लोग, और मेरी सासू माँ है वो जाके वहाँ अंदर पूजा करेंगी। आप लोग भी देखिए कैसा सूट की हूँ। ये देखिए डी बाबा हैं और इनको घंटा माना मन्नत थी, तो घंटा मानेंगे। और बाकी कुछ कुछ मुझे बोल रही थी और मैं हाँ हाँ कर रही थी। ये देखिए कुछ बाहर का व्यू इस तरह से, बहुत सारे कुत्ते आ गए थे और एक बड़ा सा बकरा भी था, मतलब अभी आपको पापा चाहिए पापा चाहिए बहुत बड़ा सा था, मतलब काफ़ी बुढ़ा हो चुका था वो, और वहीं पे आसपास घूम रहा था। और अभी देखिए कितने सारे कुत्ते आ जाएंगे, मतलब मिठाई वगैरह खाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये पूजा कर रही है, हम लोग भी वहाँ बैठ कर पूजा करेंगे। कैसे उसको सीकड़ी लगा के चैन हाँ बांध ही देते वहाँ तो क्या पता बांध देना कैसे बांधे जाने अंदर से चक्कर हुआ लगाते हैं पूछते पूछते आते हैं तो ज़्यादा टाइम क्या करो यहाँ क्या करो बेटा क्या करो अच्छे जगह तभी लड्डू देंगे दादी ना हाँ टुट टुट चाहिए टुट टुट लगवाओ उधर नदी से इधर देखो इधर देखो पोछो नहीं पोछ लिया पोछ लिया हाथ जोड़ लो बेटे अच्छा चेंज है दे रुको पकड़ो पकड़ो दे है ना है बच्ची का चढ़वा दो हाँ दांत पेटी वही है ना उसी में डाल दो बाहर रखिएगा कुछ दर्द कुछ हो जाए डाल दो डाल दो डाल दो उसमें डाल दो गया डालने लो ये भी डाल दो डाल ये भी डालो डाल डाल पापा डाल दो
घी डाल दो, तुम सिक्का डालो, डालो जय कर बाबू, जय इधर इधर नहीं इधर ऐसे जय करो, अच्छे से करो, गुड बॉय हो, ऐसे भगवान जी इधर हैं। ये हम लोग बाहर निकल गए और अब वेट हो रही थी गाड़ी की, गाड़ी कहीं और खड़ी थी, तो देखिए ये अंदर से वहाँ से हम लोग निकल के आए, जो दिख रहा है गेट जैसा बस वहीं पे, और वो डी बाबा का मंदिर था, चारों तरफ इस तरह गांव है, जैसे सिंपल गांव सबका होता है सेम उसी तरह था। तो ये देखिए गाड़ी भी आ गई थी, तो बस अब हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे, तो चलिए आपको घर दिखाती हूँ। हो जाएगा तुमको मिठाई ना भाई, हां ज्यादा लोग हैं इसीलिए तो ज्यादा चाहिए। अब आएल जब अरे अप्रैल में यही से गांव में मम्मी एक बार मम्मी यहीं से ना, हां यहीं से अप्रैल में आई थी। हां यही रुक जाओ यहीं, हां हां यही हो यही, हां चल अकेले आई थी नहीं थे सुती तो रानी खाली थी। अच्छा तो रानी का डीलर मेरे को अच्छा ऐसे घूमने नहीं नहीं चाचा मदद चाचा ए भैया कोठी ऐसा जाए के ना, ए भैया बेसन के घर ऐसे जाना है ना, बेसन के घर अच्छा उधर आओ, हम भूल दिए हुई तो एक सब हो बेटा ना पूरा सा ना ऐसे करके ना तू ये लोग कह रहे हैं कहां घर अपने घर नहीं पता हम पैदल चल जाएगा गाड़ी नहीं हम गाड़ी से नहीं समझ पैदल तो पता देखते देखते बता हां अब इसी थोड़ा है मुझे के अंदर हम लोग को बैठ जाना चाहिए था लेकिन हां ना ये चले के तो ज्यादा काम करता रे गांव टहलते हैं ऐसा अच्छा ये ट्यूबवेल हम यहाँ नहाते थे ना, ये इस ट्यूबवेल पे आके नहाते थे बचपन की यादें ताजा हो गई। हाँ ये वो लाल लाल कलर की बिल्डिंग दिख रही उधर तो ना 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 खुदे बोले फोन करी जैसे से रोड जाएगी ना इधर अंदर ऐसे हाँ राइट हैंड पे वो लाल कलर की जो बड़ी से घर है वही तो अपन अपन से अलग कहाँ बाहर बाहर क्या बस ऊपर सब कर अलग पहले इसी में एक कितने पे अलग अलग तो हाँ तो एक कमरा था ऐसे से था हाँ तो मालूम पैसे सब आप मम्मी पीछे भी चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है मेरा घर। काफी पुराना है, आई मतलब मेरे दादा ससुर चप्पल नहीं उतारना, जो भाई लोग थे वो मेरे दादा ससुर जी का नहीं है, उसमें उनके दो तीन भाई है, सबका है ये, कोई रहता नहीं है, रहते हैं सिर्फ एक या दो लोग फैमिली अंदर रहती है, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। बाकी लोगों ने अपना अलग अलग घर बना लिया है आस पास पास में ही, तो अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। चप्पल गिराया दीदी ये और सबसे ज्यादा इंजॉय जो कर रहा था वो मेरा बेटा कर रहा था, इसको बड़ी मजा आ रही थी इतनी बड़ी सी जगह देख करके खेलने में, तो अभी आप देखिए कैसे ये दौड़ रहा है।
अरे बहुत जिद्दी है वो। अरे इधर 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 चप्पल पहनो चप्पल पहनो। चलो कहाँ पे आ गए तुम? नीचे के बाद फिर हम लोग छत पे आ गए और देखिए दीदी मेरी उनकी दोस्त लोग और हम लोग सब लोग छत पे थे। बाबू डर लग रहा था कि बाउंड्री भागना नहीं एकदम भी में तो थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए बाबू। बाकी जरा सा कुछ भी हुआ तो फिर बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं मिलता। कुछ दिन के लिए जाते हैं तो जौनपुर में ही सारा समय निकल जाता है, लेकिन अब सोच के रखी हूँ मैं कि जब भी जाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी, भले एक घंटे दो घंटे के लिए जाऊँ पर जाऊँगी ज़रूर। मुझे गांव बहुत पसंद है गाइस, मेरी तरह किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो रियाज ये देखो कहाँ पे आ गए, बाहर से देखिए इस तरह से दिखता है। देखो रियांश देख लो अपना, तो बहुत पहले का समय अपना का दादी घर। चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर से देख लो, समझ ही रहे होंगे कैसा है। इसको लाल हवेली सब बोलते थे, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे ऐसा मतलब मेरी सासू माँ बताती हैं। आओ अब बाकी लोग भी देखिए, अगर चलो घर देख लो, घर बना लिए हैं जो लोग, कुछ लोग अलग अलग हट करके ये सब जो मकान दिख रहे हैं ना आपको, तो वो बाहर बाहर अपना बना करके अपना रह रहे हैं। तो बस सब लोग बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के बाद बाहर ही बगल में एक घर था किसी का, मुझे तो उतना नहीं है, तो वहाँ पे चाय वगैरह बना हुआ था। तो फिर हम लोग देखिए ये जहाँ बाबू जा रहा है सभी हैं, तो इधर ही साइड में घर था, तो वहाँ पे फिर हम लोग गए चाय नाश्ता किए। इतना करते करते काफी रात हो गया, मतलब 7 बज गए, तो फिर वहाँ से हम लोग निकले। ये देखिए साइड साइड में इस तरह से लोगों ने अपना घर बना रखा है, मतलब वहाँ पर सबको 3-4 कमरे ऐसे अलग अलग मिले हुए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा के लोगों ने बाहर अपना पक्का बनवाया है, तो काफी सारे लोग ऐसे भी थे। तो ये देखिए गांव पूरा इस तरह से बसा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे चाचा ससुर लगेंगे शायद, मैं तो किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन ठीक है। तो बस शाम होने लगी थी, तो ये सेकंड फ्लोर से ऊपर जब गए थे तो शूट कर रहे थे, बाउंड्री नहीं यही शायद जो बंद है, तो यही 2-3 ऐसे कुछ नीचे दो ऐसे कुछ ऐसे कुछ याद नहीं दी थी, टाइम आ रहा है पापा लोग को पता है शायद ये बंद है, ये शेयर कीजिएगा और शायद ये ऐसा ही दो ये है दो शायद नीचे है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हां इससे मेरे सारे जो भी मैं ब्लॉग डालूंगी वो आप देख पाओगे। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग मेरे गांव का अच्छा लगा होगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय, गुड नाइट। तो ये जो नॉर्मल एक तला होता है उससे बहुत ऊंचा बना है सारा होता है, बाहर के जो वो चार वो बने ना वो और बड़े हैं। चप्पल क्यों उतार देते हो? घूमी करके आए, घूमी करके आए।